नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान आपके बीच बागपत से एक बड़ी खबर लेकर आया हूं, जहां निकाय चुनाव चल रहे हैं। वहीं निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा से शराब की बड़े पैमाने पर तस्करी देखी जा रही है। मामला उस समय का है जहां देर रात दो शराब तस्कर 40 पेटी देसी के अवैध शराब इनोवा गाड़ी में भरकर यूपी में एंट्री करते हैं। वहीं निवाड़ा चेक पोस्ट पर पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास करती है और जो आरोपी हैं बैरिकेडिंग तोड़कर वहां से निकल जाते हैं, जिसको लेकर पुलिस सतर्कता दिखाते हुए सरूपर चौकी थाना क्षेत्र में सूजरा रोड पर उनको घेराबंदी कर दी है और वहीं उन्हें गिरफ्तार उन्हें सरेंडर होने की बात कहती है। लेकिन पुलिस पर वो फायर कर देते हैं, जिसको लेकर पुलिस ने जवाबी फायरिंग में दोनों को घायल करके गिरफ्तार किया है। आरोपी जो कि समालका से शराब लेकर हरियाणा के चले थे, एक का नाम तहसीन है और दूसरे का नाम जयसिंह बताया जा रहा है। उनमें से जयसिंह की हालत गंभीर हो गई थी, जिसको लेकर देर रात उसको हायर सेंटर रेफर किया गया था। मुठभेड़ के दौरान दो सिपाही भी घायल हुए हैं, जिसमें अंकित कुमार और राजीव चौधरी जो कि दो सिपाही हैं वो भी घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं का जांच कर रही है और जो तस्कर थे, जो मौके से दो तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए हैं, 40 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है और एक इनोवा गाड़ी भी बरामद हुई है। पुलिस की एक बड़ी सफलता है ये, बागपत कोतवाली पुलिस की बड़ी सफलता देखने को मिली है, जहाँ निकाय चुनाव पर बिल्कुल बॉर्डर सील है, जो कि साफ तौर पर एसपी विजय वर्ग का कहना है कि कोई भी जितने भी बागपत बॉर्डर हैं वो सारे सील कर दिए जाएं, तमाम चेकिंग के बगैर कोई भी गाड़ी अंदर ना आ सके और ना जा सके, जो कि साफ तौर पर बागपत पुलिस अलर्ट है और उस अलर्टता का परिणाम मिला है कि उनके हाथ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कैमरा सहयोगी के साथ मैं देवेंद्र चौहान। पहले शराब ले गए, कितने दिन से कर रहे हो ये काम शराब तस्करी? डेढ़ महीने से। अच्छा, इसके अलावा और क्या करते हो तुम? और पिताजी क्या करते हैं तुम्हारे? कबाड़ी का काम करते हैं। अरे जो दूसरा है उसका क्या नाम है? जयसिंह है। उसका पिताजी क्या करता है? वो तो वो भी तुम्हारे साथ पहले से करता है या अभी करने लगा? अच्छा, तो साहब अभी कुछ लोग आए हैं, क्या मामला है और कौन घायल है, क्या स्थिति है? अभी थाना बागपत से पुलिस वाले आए हैं, कैसे सौंपे आए थे, जिसमें से उन्होंने दो अपराधी बता रहे हैं, इनको पकड़ा है, गन शॉट इंजरी है, गोली लगी है मारते हुए, और जिसमें दो पुलिस वाले भी घायल हुए, एक अजीम जो वो तो हमने भर्ती कर दिया और दूसरे बुजुर्ग को हमें रेफर करना पड़ेगा, इसके थोड़े चोटे जा रहा है। अच्छा, सिपाहियों की क्या स्थिति है? सिपाहियों की ठीक है, बचाव के लिए जो मुजिम थे उन्होंने भागने के लिए उनसे कुछ फनौते और चुप निशाने रास्ते भी चुका है। सिपाही गोली लगी है? नहीं, सिपाही मारे। अच्छा, इससे भी ठीक है। कल दिनांक 28/4/2023 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस को एक इनोवा कार में अवैध शराब तस्करी की सूचना मिली थी। इस सूचना पर बागपत पुलिस द्वारा सूजरा निरोजपुर मार्ग पर बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग करते हुए भागने लगे, जिसमें पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की गई। इस मुठभेड़ में दो बदमाशों को घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही हमारे दो साथी पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। इस घटना में बदमाशों के पास से एक इनोवा कार, जिसमें करीब 40 पेटी अवैध शराब, दो अवैध तमंचे, दो खोखा कारतूस तथा 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इस गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।